क्रिकेट वर्ल्ड कप में बदतरीन नाकामी पर खामोशी पुरवकार, मौका मिलते ही इंजमाम ने इख्तियार की राह फरार। प्लेयर्स एजेंट कमेटी में शेयर्स के इल्जाम, खुद पर जब आई बात चेयरमैन पीसीबी से भी ना हो सकी मुलाकात। चीफ सिलेक्टर इंजमाम उल हक का मीटर हुआ शॉर्ट, पीसीबी से राहें जुदा करते हुए चीफ सिलेक्टर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। अगर आपका चेयरमैन जो है वो एक आदमी पे इतना ज्यादा भरोसा कर ले लास्ट मिनट पे ये सारी बातें हो तो इस किस्म की चीजें जो है वो रूनमा हो ही जाती है। इंक्वायरी कमेटी को सामने लेके आए जो कि इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से करे और ताकि आइंदा इस किस्म के इंकशाफात नहीं हो। क्रिकेट लेजेंड जहीर अब्बास ने मामले का जिम्मेदार ज़का अशरफ को करार दे दिया, कहा प्लेयर्स एजेंट कंपनी से मुतालिक इंक्वायरी होनी चाहिए। साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद ने कहा जिस तरह वर्ल्ड कप स्क्वाड के इंतखाब में मनमानी की गई इसका नतीजा यही निकलना था। जवाबुल हक ने अपना पूरा वजन जो है वो प्लेयर्स के पलड़े में डालकर उनकी मराहत और उनकी मैच भी और उनकी रिम्यूनरेशन मुआवजे जो है जिस तरह बढ़ाए हैं वो अब पता चला है कि वो उसमें उनका जाती बफाद भी शामिल था। टीम में जो चुनाव है गैस के नरखों में इजाफा हर सूरत होगा, काबीना इजलास में आज फैसला ना हुआ कल फिर बैठक होगी। ईसीसी को मजीद गौर करने की हिदायत, इक्तिसादी राबता कमेटी ने फौरी इजलास बुलाकर नई समरी तैयार कर ली, दोबारा काबीना में पेश होगी। पाकिस्तान में इस वक्त उबूरी जमहूरियत है, मुस्तहकम जमहूरियत नहीं। किसी काम में ताखीर गैर आइनी अमल नहीं होता, निगरान वज़ीर आज़म की लम्स यूनिवर्सिटी में गुफ्तगू, कहा निगरान हुकूमत आइनी तरीके से क़याम में आई। आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा, हुकूमत का काम कमीशन को मुआवनत फराहम करना है। पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात के लिए पुरअज़्म, वज़ीर आला हाउस में अहम बैठक, मोहसिन नकवी सिकंदर सुल्तान राजा शरीक। निगरान वज़ीर इत्तला'आत आमिर मीर ने कहा इलेक्शन मुकर्रा वक्त पर होंगे, पोलिंग स्टेशन पर पुलिस आर्मी और रेंजर्स तैनात होगी। शेख रशीद को रिलीफ मिल गया, लाहौर हाईकोर्ट का लाल हवेली खोलने का हुक्म, साबिक वज़ीर दाखला खुश, कहते हैं हमारी सियासत हमेशा फौज के साथ रही है, मरते दम तक उनके साथ हैं। 9 मई लानती प्रोग्राम था। नैब कानून में अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती, जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट, लिखा कानून साजी का तब जायजा ले सकते हैं जब इंसानी हुकूक से मुतसादिम हो, जमहूरियत की बका के लिए बाहमी बर्दाश्त लाजिम है। ऑडियो लीक्स कैसे हो रही हैं, कौन कर रहा है, कॉल्स रिकॉर्डिंग की सलाहियत किस इदारे के पास है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट का इस्तफसार, जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, रियासत को एतमाद में लिए बगैर ऐसा करना खौफनाक फैसला है, तरीक़ाकार तय ना होने तक गैर कानूनी करार, विफाक को जवाब जमा कराने के लिए 1 माह की मोहलत। गैर मुल्कियों की वापसी में सिर्फ 1 दिन रह गया, वजीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं 1 नवंबर के बाद पनाह देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, ये ऑपरेशन किसी मखसूस तबके या कौम के खिलाफ नहीं, 2 लाख गैर मुल्की पाकिस्तान छोड़ चुके हैं, वीजा लेकर किसी भी वक्त वापस आ सकते हैं। मारूफ मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील के साहबजादे आसिम जमील को आहों और सिसकियों के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया, आबाई शहर मियाँ चुन्नू में नमाज जनाजा अदा, सियासी और समाजी शख्सियात शरीक, मौलाना तारिक जमील ने रिक्कत आमेज खिताब किया। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले, 8,306 अफराद शहीद, महज़्ज़ब दुनिया देखती रही, शहदा में कमसिन बच्चों की तादाद 3,457 तक जा पहुंची, 1,000 से ज्यादा बच्चे लापता, हमास के हमलों में 1,405 इसराइली हलाक, 5,500 के करीब जख्मी।
हमास ने इसराइल को जमीनी पेशकदमी से रोक दिया। सलाहुद्दीन रोड से टैंक और एक बिलडोजर को भगा दिया। अल-कसाम ब्रिगेड ने यरूशलम तक रॉकेट बरसा दिए। आम शहरी सहूनी फौज के टैंकों का निशाना, गाड़ी को तबाह करने की वीडियो सामने आ गई। गजा में अल जजीरा के सहाफी यमनी अल सैद को संगीन नतायज की धमकियां। बोल न्यूज की खबर पर एक्शन। रेंजर्स और वाटर कॉरपोरेशन ने बोरिंग माफिया के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। लाखों गैलन पानी चोरी करने वाले 3 अपराध गिरफ्तार। कराची में स्ट्रीट क्राइम बेकाबू। मासूम शहरी डाकुओं के निशाने पर रमा साल कितने मुकाबले हुए, कातिलों ने कितनी जिंदगियां छीन ली और कितने डाकू अंजाम को पहुंचे, तफसीली रिपोर्ट बुलेटिन का हिस्सा। कोलकाता में बांग्लादेश के खिलाफ कल अहम मार्का। ग्रीन शर्ट्स की ईडन गार्डन्स में भरपूर प्रैक्टिस। जख्मी शादाब आज भी ट्रेनिंग न कर सके। उसामा मीर और फखर जमान की शमूलियत मतवक्के। 242 रन की ताकुब में अफगान टीम की पोजीशन मुस्तहकम। श्रीलंका की तरफ से पैथम निसानका 46 और कोशाल मेंडिस 39 रन बनाकर नुमाया रहे। फजल हक ने 4 शिकार किए। लंकन टीम वर्ल्ड कप के 5 में से 3 मैच हार चुकी है। कनाडा में आजाद खालिस्तान रेफरेंडम। 65,000 सिखों का हक रायदही का इस्तेमाल। रहनुमाओं ने कहा कि मगरब मान रहा है कि भारत आलमी दहशतगर्दी में मुलविस है। कभी चांद तो कभी दियोहैकल बॉल जमीन पर। दुनिया की सबसे बड़ी एलईडी बिल्डिंग लॉस वेगस में सच गई। बिल्डिंग में 12 लाख स्क्रीन का इस्तेमाल, 15,000 अफराद के बैठने की गुंजाइश। सारंगी के मशहूर कुन सुर छेड़ते फनकार। कश्मीर के फनकार दिल के तार छेड़ देते हैं। फन से मालामाल मौसीकारों की माली हालत इंतहाई खराब। हदीका कियानी का नुसरत फतेह अली खान को ट्रिब्यूट। मशहूर कलाम जानी दूर गए को मुनफरिद अंदाज में पेश किया। हानी आमिर वहाज अली भी मौजूद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।